हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मैजिक रेसिपी। आज हम बनाएंगे जो कि मेरा फेवरेट है, खोए का गुजिया। और ये बहुत ही टेस्टी बनता है। आप इसे एक बार बना के जरूर खाएं, आपको बहुत पसंद आने वाला है। तो चलिए देखते हैं इस रेसिपी को हम कैसे बनाते हैं। इसके लिए हमें चाहिए 500 ग्राम मैदा, 1 कप चीनी, 250 ग्राम के करीब खोआ, जिसे कि मावा भी बोलते हैं। सबसे पहले हम एक पतीला में डालेंगे मैदा, 4 बड़े चम्मच घी, 4 बड़े चम्मच घी और सभी को अच्छे से मिक्स करेंगे। अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसका डो तैयार कर लेंगे। इसका डो हमें सॉफ्ट तैयार करना है। इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसे अच्छे से गूंद लें। अब हम इसे रेस्ट के लिए छोड़ देंगे। तब तक हम खोआ में चीनी को मिक्स कर लेते हैं। चीनी का क्वांटिटी आप कम या ज़्यादा अपने हिसाब से कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादा कम ना करें जिससे कि इसका टेस्ट उतना अच्छा ना पता चले। हम मैदा का छोटे छोटे लड्डू डाल लेंगे, जिससे कि इसका पूरी ना ज़्यादा बड़ा होना चाहिए ना ज़्यादा छोटा होना चाहिए। अब हम लंबे शेप में इसे बेल लेंगे। अब हम इसे हथेली पे रख के इसमें 1 चम्मच या 1.5 चम्मच आप जितना डाल सके खोए को हमें डालना है। और इसे हम कॉर्नर से ऐसे चिपकाएंगे, प्रेस करते हुए चिपकाएं, जिससे कि ये तलने टाइम में फटे नहीं। और अब हम साइड से इस तरह का डिजाइन बना देंगे। अगर आपको इस तरह का डिजाइन बनाना नहीं आता है तो आप इसे फोर्क से भी दबा दबा के डिजाइन बना सकते हैं। आप देख सकते हैं एक गुजिया मेरा बनके रेडी है। इसी तरह से सारे गुजियों को हमें रेडी कर लेना है। इसे बनाने में थोड़ा सा टाइम लगता है, बट फ्राई करने में बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता है। आप देख सकते हैं सारा गुजिया मेरा रेडी है। अब हम इसे फ्राई कर लेते हैं। फ्राई करने के लिए तेल को हमें मीडियम गर्म रखना है और हम एक एक करके डाल देंगे। अब इसे स्लोली स्लोली पलट लें। इसे हमें ज़्यादा रेड रेड नहीं करना है। अब हम इसे एक प्लेट में निकालेंगे। आइए मैं इसे तोड़ के दिखाती हूँ कि ये कितना क्रिस्पी बना है और अंदर से कितना जूसी है। ये खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें एंड कमेंट में हमें बताएं। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो आप इसे लाइक शेयर ज़रूर करें एंड प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।